हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो एक रिप्लाई वीडियो है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि भैया आपने अपने ट्रीटमेंट के दौरान जब अपने सोराइसिस को क्योर किया तो परहेज़ के दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड किया और कौन कौन सी चीज़ों को खाया। तो पूरा डाइट चार्ट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा कि आपको किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को आपको कंज्यूम करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने किचन से कि मैंने अपने किचन की जो चीज़ें हमारी रहती है उसमें क्या क्या अवॉइड किया। सबसे पहले तो मैंने अपना जो खाने से था वाइट सॉल्ट निकाल दिया, सफ़ेद नमक, उसकी जगह मैं लेके आया सेंधा नमक। सेंधा नमक मैंने स्टार्ट किया। इसके अलावा जो मैदा की चीज़ें होती हैं वो मैंने खानी बंद कर दी। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट था कि जो रिफाइंड होता है, रिफाइंड ऑयल, उससे बनी चीज़ें जो भी होती हैं, फ्राइड की हुई चीज़ें रिफाइंड में, वो चीज़ें मैंने खानी बंद कर दी। मैं जो भी अगर कोई फ्राइड चीज़ खाता भी था तो वो सरसों के तेल में, प्योर सरसों के तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें फ्राई करके खाता था। वो भी बहुत कम मात्रा में लेता था, ज़्यादा नहीं लेता था। और इसके अलावा जो बात कर लेते हैं, ये अपने रसोई का हो गया। और चीनी बहुत कम यूज़ करता था, चीनी की जगह कभी कभी मैं थोड़ा बहुत गुड़ इस्तेमाल कर लेता था। हालांकि मीठा तो बहुत कम लेता था मैं, कभी कभी जो है जैसे दिन में एक बार मैं गाय का दूध पीता था तो उसमें थोड़ा बहुत मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल देता था, बहुत हल्का मीठा करने के लिए, तो मैं वो दूध पीता था दिन में एक बार। ठीक है जी, अब मैं पहले आपको बता रहा हूँ मैंने क्या क्या चीज़ों को अवॉइड किया, उसके बाद आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ों को खाया। इसके अलावा मैं बचपन से ही स्मोकिंग या जो है अल्कोहल नहीं लेता हूँ। मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैंने कभी अल्कोहल नहीं ली, मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की। तो अगर आप करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या जो है ऐसी चीज़ें लेते हैं तो बिल्कुल आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है ना बहुत एग्रावेट हो जाता है आपका सोराइसिस। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फलों में मैं जो खाता था उसमें सेब हो गया, नाशपाती और केला, आपका पपीता, और ये सब खाता था। मैंने जो फल छोड़े थे वो खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा, और सलाद में जैसे आपका नींबू हो गया, और मतलब खट्टे फल जितने भी थे वो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खट्टे फल छोड़ दोगे तो आप अचार खा लोगे, मतलब कहने का सेंस ये है कि आपको खट्टे फल के साथ साथ खट्टी कोई भी चीज़ नहीं खानी। वो इमली भी हो सकती है, वो खट्टे आम भी हो सकते हैं, वो आम का अचार भी हो सकता है, वो अचार कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अमचूर डलता है। जो भी अचार बनाएंगे उसमें अमचूर डलेगा और अमचूर में जो है खटाई होती है, खटास होती है, तो वो भी आपके सोराइसिस को नुकसान देगी और वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसके अलावा शहर में या बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं, जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, जो पैकेट की होती हैं, जैसे अमूल का छाछ हो गया, अमूल का दूध हो गया, पैकेट का दूध भी आपको नहीं पीना है, केवल गाय का दूध लेना है, वो भी पानी मिला के पतला करके, लाइट वेट करके उसको दूध को आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये पेपर पैन लेके चाहे आप लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। 70 से 80% सोराइसिस आप इन चीज़ों को फॉलो करके ठीक कर सकते हैं, बाकी जो आपका सोराइसिस है वो आपका मेडिसिन ठीक कर देंगी, ये गारंटी है। तो बिल्कुल भी पेपर पेन अभी लीजिए और इसको अभी लिखना स्टार्ट कीजिए, जो जो मैंने आपको बताया। वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना, लेकिन ये आपको लिखना है और लिखने के साथ ये आपको फॉलो करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं लेता था। इसके अलावा ऑयली चीज़ें जो थी वो मैं जो बिल्कुल भी नहीं लेता था। और ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने, जब तक मेरा ट्रीटमेंट चला था मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। पहले भी मैं नॉर्मल पानी पीता था, ठंडा पानी नहीं पीता था, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान मैंने जो है अपना गर्म पानी अपना स्टार्ट कर दिया था, गर्म पानी पीता था। और इसके अलावा बात करी जाए तो अब ये हो गया, मसालेदार चीज़ें जो भी होती हैं वो मैंने कभी नहीं ली इस दौरान, और अगर कभी कभी मन भी किया तो बहुत ही हल्का नाम मात्र को डालकर कभी कुछ चीज़ ले लिया होगा, नहीं तो मैंने कभी मसालेदार चीज़ें ज़्यादा, ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई। और इसके अलावा बात कर लेते हैं अब डेयरी प्रोडक्ट में। डेयरी प्रोडक्ट में ना तो आपको पनीर लेना है, ना आपको चाप लेनी है, ना आपको जो है दही लेनी है, ना छाछ लेना है, मतलब ना दही छाछ मट्ठा कुछ नहीं लेना। और दूध भी मैंने आपको बताया, गाय का दूध दिन में एक बार ले सकते हैं, पानी डाल के लाइट वेट करके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब आगे बात कर लेते हैं और भी जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देती हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सब्जियों में। सब्जियों में जो है आप गोभी, ब्रोकली, फलियों वाली सब्जी जो होती है, साग होता है, और गाजर गाजर होती है, भिंडी होती है, और ये हरी मटर, ये सब चीज़ें आप सब्जी ले सकते हैं, मतलब हरी सब्जी जो भी होती है, पत्तेदार सब्जियां जो भी होती हैं वो आप ले सकते हैं। लौकी, तोरई और पेठा होता है हरे वाला, वो आप उसकी सब्जी खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आए थे कि हम रोटी जो लेते हैं वो किस चीज़ की रोटी ले, तो सिंपली आपको चपाती लेनी है और वो गेहूं की चपाती आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो लेकिन कभी भी आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। यदि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कहीं से भी आपकी दवाई चल रही है, पेट भर के भोजन आपको नहीं लेना है।
अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि हरी सब्जी, ये सब जो भी आप ले खा सकते हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दालों में, तो दालों में आप दाल एक एक करके ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिस दाल से जो आपके पेट में जो है ना गड़बड़ कर देती है, वो दाल आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो दाल आपको सूट करती है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, वो दाल आप ले सकते हैं। तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह नाश्ते में आप हल्का दलिया ले सकते हैं और ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। चावल को मुझसे पूछते हैं लोग, तो चावल में आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउन राइस ले लीजिएगा। खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि राइस भी जो है आपके एडजस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। गर्म पानी का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, तो मैं स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, उस पर आप हाई लिख कर भेजिएगा, तो मैं आपको डाइट चार्ट भी दूंगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई आपका ऐसा डाउट होगा कि ये खाएँ ना खाएँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर लिख के भेजेंगे, तो मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दूंगा कि ये आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी केयरफुल और काफ़ी जो है इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।